डॉक्टर मोहन यादव यहां संबोधन दे रहे। अरे इससे बड़ा भाग्य कहाँ आएगा। वाकई सरदार पटेल को आज भी धन्यवाद देते हैं लोग, इतना जबरदस्त तुमने सहकारिता के क्षेत्र में काम किया। अपने गोवंश सुधार के लिए, पशुवंश के लिए दूध उत्पादन बढ़ाने वाली गायें हैं, दूध उत्पादन के लिए जो जो पशु है, कोई किस काम का कोई किस काम का, सभी प्रकार के पशुओं के लिए आप बताओ। डॉक्टर धरा है वो एक पैसा नहीं लगे, वो खर्चा भी दूध सोसाइटी देती। जो दाना खिलाना है, चारा खिलाना है, उसकी भी क्वालिटी, वो भी दुग्ध संघ चिंता करे, कितने प्रकार से चिंता करेंगे। और कोई कारण से पशु मर जाए तो उसका भी बीमा पूरा का पूरा सहकारी संघ दे, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं अपन ने। यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की किसानों के प्रति भावना। इनके काम के आधार पर पुरानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, और साथी वालों से कहा कि आप पूरे देश में ये बदलाव कर दो। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कमेटी बनाई थी, उनके लोगों ने कहा कि हम कर तो देंगे लेकिन गुजरात से ही कर देंगे, हमको वहां आने की जरूरत नहीं। ये गुजरात और सरदार वल्लभ भाई पटेल का विचार था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से अभी लखन पटेल चले गए, ये गौरव हमने दिया है। मुझे गर्व है हमारी सरकार बनने के बाद फैसले तो इतने सारे किए, कुछ तो हमारे गणेश सिंह जी ने बता दिया। अरे ये कितनी छोटी बात, हमारे किसान, गरीब किसान पटवारी के आगे पीछे टक्कर था, वो पटवारी हाथ में नहीं आया, वो कलेक्टर के बाप बन रहे थे। हमने कहा तुम्हारी अम्मी तो ठहरो, हम तुमको ठिकाने लगाएंगे। सारे अधिकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से, अब कोई हाथ जोड़ने जाने की जरूरत नहीं पटवारी के पास। अपने लिए अपने आप पंजीयन कराने का काम राजस्व विभाग कराएगा, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। हमारे अपने आप भी ध्यान रखना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तय कर लिया है कि आने वाले समय में हम भी दूध उत्पादन को बढ़ावा देने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। अरे हम तो वैसे ही गोपाल कृष्ण वाले लोग हैं, भगवान राम और कृष्ण से जुड़ते हैं। अपने को दूध दही में क्या, दूध दही की तो नदियां बहती, जैसे गंगा जमुना बहती है, ये हमारी परंपरा। भगवान कृष्ण का काल, भगवान डिजिटल फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों आगरा में डिजिटल अरेस्ट के बाद एक महिला की तबीयत खराब हुई और बाद में उनकी